हेलो एवरीवन वेलकम टू सक्सेस क्लासेस आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी ही सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे एक्चुअली मैं कल मेरी एक वीडियो आई थी दैट इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च टॉपिक्स ऑफ करेंट इश्यूज़ ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंसेज तो बहुत से सब्सक्राइबर्स ने उस वीडियो के नीचे लिखा कि सर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ रिसर्च टॉपिक्स लेके आई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ रिसर्च टॉपिक्स लेके आई सबसे ज़्यादा सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज थी तो जैसे ही आपने कोई क्वेरी लिखी और मैं उसके ऊपर वीडियो ना बनाऊँ ऐसा कभी हो नहीं सकता तो मैं आपके सामने सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे ले चलता हूँ और उस वेबसाइट के अंदर मैंने जितने भी टॉपिक्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं फॉर एजुकेशन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वो सारे के सारे मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही आप हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और सबसे पहले आपका आएगा रिसर्च टॉपिक्स इन एजुकेशन जो लोग एजुकेशन सब्जेक्ट में अपनी पी कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स लिखना चाहते हैं या एजुकेशन में जो है अपनी रिसर्च प्रपोजल लिखना चाहते हैं तो वो ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ इसको रेफ़र कर सकते हैं और ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे हैं मैंने भी रीड किए दो आई बिलोंग टू कॉमर्स सब्जेक्ट पर क्योंकि हम सब टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशन से वाकिफ़ हैं तो काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं आप इसको रीड कर सकते हैं और आप इसको डिटेल पढ़ भी सकते हैं हमारी वेबसाइट में जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो ये फोर्टी एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च टॉपिक्स हैं इसको आपको करना क्या है आपको जो भी टॉपिक लग रहा है कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको और एक्सप्लोर कर सकता हूँ तो उससे रिलेटेड आपको जो है लिटरेचर रिव्यू पढ़ पढ़ना स्टार्ट कर देना है और किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू करना है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ आपको क्या करना है जैसे लिटरेचर रिव्यू आप मग्न होकर के अच्छे से अच्छे से अपनी यू नो पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ जैसे ही आप अपना लिटरेचर रिव्यू पढ़ोगे तीन चार लिटरेचर रिव्यू पढ़ोगे उसके बाद आपको कुछ ना कुछ रिसर्च के कैप आइडेंटिफाई हो जाएगा रिसर्च के कैप जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ तो रिसर्च जो प्रोसेस हम रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते रहते हैं कि किस तरीके से हम जो है इस, किसी चीज़ की रिसर्च कर सकते हैं द एंटायर रिसर्च प्रोसेस उसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम जो है सोसाइटी में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए राइट सो दीज आर दी टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू एजुकेशन ये फोर्टी टॉपिक्स हैं इसको आराम से आप तसली के साथ पढ़िएगा और अब मैं आपको ले चलता हूँ रिसर्च टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू कामर्स एंड मैनेजमेंट क्योंकि कामर्स एंड मैनेजमेंट के बहुत से जो सब्जेक्ट यूनिट्स होते हैं जो कामर्स के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर आते हैं देट आर वेरी मच सिमिलर तो कामर्स और मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों के दोनों इन टॉपिक्स को रेफर कर सकते हैं और ये जितने भी मैं टॉपिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ 99 नाइन यहाँ पर टॉपिक्स मैंने अपने वेबसाइट पे डाले हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के तो आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से इम्प्लीकेशन ऑफ आईसीटी ऑन बिजनेस एजुकेशन बहुत बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं कॉमन इन देंस मीन्स मतलब इसके ऊपर आपको अच्छी ईजिली बहुत आसानी से लिटरेचर रिव्यू भी मिल जाएगा ऐसा नहीं कि आपको कोई फंडामेंटल रिसर्च करनी है या यू नो यू हैव टू यू नो फाइंड समथिंग विच इज़ वेरी मच न्यू ऐसा कुछ नहीं है कि इसके ऊपर कोई जो है पहले रिसर्च नहीं हुई है आपको आसानी से इसका लिटरेचर रिव्यू मिल जाएगा और फिर आप उसको पढ़ करके रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करके आप रिसर्च पेपर बना सकते हैं या आपको कोई टॉपिक अच्छा लगता है तो उससे रिलेटेड आप अपना रिसर्च प्रपोजल भी बना सकते हैं फॉर पी एच डी सो दीज आर नाइन्टी नाइन एंड मिक्सड है मार्केटिंग भी है इसमें आपको एंटरप्रेनरशिप भी मिल जाएगी इसमें आपको फाइनेंस भी मिल जाएगा इसमें आपको ह्यूमन uh, रिसोर्स भी मिल जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह तो सब चीज़ इसके अंदर जो है इंक्लूडेड uh, है इस 99 रिसर्च टॉपिक्स में तो आप इनको अच्छी तरीके से एक बार रीड करिएगा तो जो भी आपको अच्छा लगता है जो भी टॉपिक आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ उससे रिगार्डिंग आप जो है रिसर्च पेपर या रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं तो दीज़ आर नाइन्टी नाइन रिसर्च टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सो दिस वॉज द कम्प्लीट वीडियो दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिसर्च टॉपिक्स ऑफ एजुकेशन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और आप इसको रेफ़र कर सकते हैं आप इसको पढ़ सकते हैं और अगर आप रिसर्च पेपर बना रहे हैं तो मैंने बहुत सी वीडियोस, रिसर्च पेपर के ऊपर और रिसर्च एप्टीट्यूड हमको कई बार क्या होता है थ्योरिटिकल नॉलेज भी ज़रूरी होती है जैसे रिसर्च प्रोसेस के क्या स्टेप्स होते हैं तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाई हुई हैं प्ले में मैंने डाले हुए हैं तो आप हमारी जो प्ले है उसको ज़रूर एक बार रेफ़र कर लीजिएगा आपका बहुत से जो डाउट्स हैं या आपको बहुत हद तक सहूलियत मिलेगी हेल्पफुल रहेंगे वो वीडियोज़ जितनी भी प्ले मैंने बनाई है उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल होगी और आप उसको देख सकते हैं सो हमारे कोइजेस भी आ रहे हैं थर्टी सिक्स हम कोइजेज़ बना चुके हैं और आप इसको ज़रूर दिया करिए अब मैं मिक्स्ड भी बना रहा हूँ बिकॉज बहुत से बच्चों की ये मैसेज आ रहा था टेलीग्राम पे कि सर टीचिंग के बनाइए कम्युनिकेशन के बनाइए हायर एजुकेशन के बनाइए तो हमें रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ साथ इनके भी कोइज़ लेके आ रहा हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन सॉलिड हो जाए सो ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा जिससे आप लोगों को नॉलेज मिले और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं और उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे सो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैव अ वेरी नाइस डे अड